आज हम आलू का समोसा बनाएंगे। इसमें हम आलू को मैश करके नहीं, कटा हुआ आलू से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक प्लेट में 1.5 बड़े कप मैदा डालेंगे। तीन चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे हम तेल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच काला जीरा डाल देंगे। सारे चीज को अच्छे से मिला लेंगे। हाथों से मुट्ठी बनाकर देखेंगे, ये बंध रहा है तो आटे में खस्ता बन गया है। अगर आटे ऐसे बंध नहीं रहा है तो और थोड़ा सा तेल मिला के फिर से खस्ता बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका एक डो बना लेंगे, जो कि ना ज्यादा हार्ड होगा ना ज्यादा सॉफ्ट होगा। डो बिल्कुल इतना सॉफ्ट होना चाहिए। डो के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के आधे घंटे के लिए ढककर रख लेंगे। अब बनाएंगे आलू का मसाला। पैन में 3 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल हल्का गर्म होने के बाद आधा छोटा चम्मच सरसों डालेंगे। आधा छोटा चम्मच उड़द दाल डालेंगे। इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ अदरक लहसुन ग्रीन चिली का पेस्ट डालेंगे। इसका कच्चा पन जाने तक फ्राई करेंगे। दो बड़ा चम्मच मूंगफली डाल देंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को आप पहले से ही फ्राई करके इसमें मिला सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज आलू को छोटा छोटा काट के लिया है। इसका छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, इसे हम छिलके के साथ ही बनाएंगे। सारे आलू को डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मसालों के साथ मिक्स करके पैन को कवर करके आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद ढक्कन को हटा के देखेंगे। आलू अच्छे से पक गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। कुछ कटा हुआ धनिया पत्ता को भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू मसाला बन गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। डो हमारा रेस्ट करते हुए आधे घंटे हो गया है। डो को फिर से हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे।
हाथों की मदद से डो को एक लंबा शेप देंगे। चाकू की मदद से इसे इस तरह काट लेंगे। इनमें से एक पीस को हाथों में घुमा घुमा के गोल बना देंगे। थोड़ा सा तेल लगा के इसे हम एक लंबा शेप देंगे। रोटी जितना पतला होती है बिल्कुल उतना ही बनाएंगे। इसे हम दो टुकड़े में काट लेंगे। एक पार्ट को हाथों में लेके पहले सीधा वाला साइड को फोल्ड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी लगा के दूसरे वाले साइड को इसके ऊपर चिपका लेंगे। इसमें जो जॉइंट बना है इसको हम चिपक चिपक के टाइट बना देंगे ताकि ये तलने के टाइम खुल ना जाए। अब आलू के मसाला को इसके अंदर डालेंगे। फिर से चारों साइड से पानी लगा लेंगे। पहले ऊपर का आधा हिस्सा नीचे के तरफ चिपका देंगे और बाकी का हिस्सा को ऐसे फोल्ड करके फिर से नीचे के तरफ चिपका देंगे। हाथों से जोर जोर से चिपका के जॉइंट को थोड़ा सा मजबूत कर देंगे, नहीं तो तलने के टाइम जॉइंट खुल सकता है। इसी तरह सारे समोसे बना लिया है। अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। तेल हल्का गर्म होने के बाद समोसा को डाल देंगे। ध्यान रखिए तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो समोसे ऊपर ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएंगे। कुछ समय के बाद समोसा को पलट देंगे। देखिए अब हमारा समोसा गोल्डन कलर हो गया है। एक बेज को कंप्लीट फ्राई होने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाता है। अब समोसा को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह सेकंड बेज को भी फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए तेल हल्का गर्म ही होना चाहिए। सारे समोसा बन गया है। मैं एक समोसा को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो आप इस समोसा को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।